वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले चले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि डब्बा ने किस तरीके से अपनी खालाओं का इस्तेमाल करा, यूज करा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि इस फैमिली के लोगों को एक दूसरे का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छे से आता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो फैमिली के बड़े हों। लेकिन पूरे व्लॉग में मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, मतलब एक चीज से मैं कह सकती हूँ कि मुझे आपत्ति नजर आई, और मुझे वो स्टेटमेंट जो है डब्बा की अच्छी नहीं लगी। वो स्टेटमेंट ये थी कि जब लिफ्ट से डब्बा जा रही थी, मुंह लटकाया हुआ था और ये भी बताती हुई नजर आ रही थी कि मैंने कल से लिपस्टिक भी साफ नहीं करी है। मतलब नहाना तो पता ही था कि डब्बा नहाती तो है ही नहीं, लेकिन अब ये पता चल गया कि डब्बा मुंह भी नहीं धोती है, क्योंकि उसने खुद अपने व्लॉग में बोला कि मैंने लिपस्टिक भी कल से साफ नहीं की है, मैं ऐसे ही सो गई थी। तो बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाले लोग जो आए दिन किसी न किसी कॉस्मेटिक का प्रमोशन करते रहते हैं, एक्चुअल में उनका स्किन केयर रूटीन क्या है वो तो खुद ही व्लॉग में सबको देखने को मिल ही गया। वेल, जो बात मैं मुद्दे की बोलने वाली हूँ तो उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो वहां पे डब्बा ने लिफ्ट के अंदर बोला कि टारा से मुझे ज्यादा लगाव है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि क्यों टीजा इतनी ज्यादा भुनाई हुई रहती है टारा के आने से, क्यों इन लोगों की आपस में बनती नहीं है, और क्यों जब टीजा से पूछा गया कि तुम भी क्या उदास हो, तुम भी क्या रो रही हो, तो टीजा ने सामने से कितना रूडली आंसर किया, अरे 2 महीने में तो वापस आ जाएगी। मतलब उसे भी पता है कि ये 2 महीने में वापस ही आने वाली है। तो ये जो जलन बच्चों के अंदर डेवलप कर दी गई है ना, ये बच्चों के अंदर ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आई है, ये डेवलप करी गई है। और इनमें घर के एक मेन सदस्य का, यानी कि घर की मेन जो डब्बा रानी है, इन बच्चों की हेड मास्टर कहते हैं ना, हेड मास्टर वो ये डब्बा है जो बच्चों के बीच में फूट डलवा रही है। इसको शायद ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि इनके इस तरीके के स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के दिल में एक दूसरे के लिए हिरस और एक दूसरे के लिए जेलसी डेवलप हो रही है। ऊपर से ऑन कैमरा व्लॉग के अंदर ये स्टेटमेंट दे देना कि टारा मेरे दिल के ज्यादा करीब है, उससे मेरे को ज्यादा लगाव है, जबकि बचपन से लेकर अभी तक उन दोनों बच्चों ने आपके साथ गुजारा है, आपके व्लॉग का मेन कंटेंट उन्हीं बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। आज ये जहां पे भी है, देखो कंटेंट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका भी होता है। तो वहां पे उन बच्चों के लिए अटैचमेंट दिखाने की बजाय डब्बा ने सीधा सीधा ये बता दिया कि टारा के साथ मेरा ज्यादा लगाव है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो कि आज की जनरेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज की जनरेशन तो माता पिता के प्यार पे उंगली उठा देती है, अगर उनको ये जरा सा फील हो जाए कि हमारे सिबलिंग में उसको ज्यादा चीजें मिल रही है, उसको कम चीजें मिल रही है, तो पेरेंट्स पे उंगली उठा देती हैं आजकल के बच्चे। तो यहाँ पे आप इतने बड़े बड़े 17-18 साल के बच्चों के सामने डिफ्रेंशिएट कर रहे हो प्यार मोहब्बत और लगाव के बारे में, तो आप खुद सोचो कि उनके दिल पे एक दूसरे के लिए जो है जेलसी होगी या नहीं होगी, कंपटीशन होगा या नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि इन बच्चों के बीच में ना आपस में बॉन्ड की बहुत ज्यादा कमी है। तो सबसे पहले जो इस चीज का जड़ है वो डब्बा खुद है। डब्बा को अपने स्टेटमेंट्स और अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिनकी वजह से बच्चों को बिल्कुल भी ये फील ना हो कि एक के आने पे दूसरे को डाउन दिखाया जाता है या दूसरे के आने पे पहले को डाउन दिखाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किन्हीं बच्चों को अपने साथ लेके आए हो, आपने उन लोगों की परवरिश का जिम्मेदारी ले ली है, तो परवरिश अपब्रिंगिंग इतनी आसान नहीं होती है। अगर आप ये सोच लो कि खाना और पैसा ही अपब्रिंगिंग होती तो जी नहीं, इसके अलावा भी अपब्रिंगिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे मेन चीज ये आता है कि बच्चे के दिल और दिमाग में कुछ भी इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स ना आए जिसमें बच्चे को ये लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, जो कहीं ना कहीं टीजा के अंदर आ चुका है। दैट इज द रीजन शी इज बिहेविंग रूड डे बाय डे। उसके बिहेवियर में आप चेंजेस देखोगे, किस तरीके से वो पहले बिहेव किया करती थी और किस तरीके से अब उसका बिहेव हो गया है। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको ये चीज फील करवाई जा रही है। उसके बाद बात करते हैं मैडम की। तो मैडम नानी को छोड़ने के लिए नीचे तक आती है, सी ऑफ करने के लिए, लेने के लिए नीचे तक आती है। रीजन बिहाइंड कि नानी के नाम पे काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और क्योंकि नानी के ऊपर चोरी का इल्जाम तक लगा दिया गया था, तो इसीलिए ये दिखाने के लिए कि नहीं, देयर इज नथिंग बिटवीन अस एंड वी आर स्टिल रिस्पेक्टिंग नानी, तो मैडम वहां पे आती हैं, सी ऑफ करने भी आती हैं, लेने भी आती हैं। लेकिन व्हेन
घर के अदर मेंबर्स जा रहे हैं, है तो आपसे बड़े ही, लेकिन उनको ना तो मैडम लेने आती है और ना ही उनको सी ऑफ करने आती है, जबकि मैडम ने उनकी बिटिया का भरपूर यूज करा है अपने कंटेंट के लिए, लेकिन उसके बाद भी मैडम उनको सी ऑफ करने नहीं आती। तो कन्वीनियंस के हिसाब से मैडम ने पंजरी तो खूब उनसे बनवा ली, लेकिन उनको नीचे तक छोड़ने मैडम नहीं आई। उसके बाद आपने एक और चीज आज देखी होगी व्लॉग में, आई थिंक कल देख ली होगी, मैं आज ये शूट कर रही हूँ, कि शर्मिली आंटी किस तरीके से फनी को 500 की पत्ती पकड़ाती हुई नजर आई, क्योंकि फनी के बर्थडे पे उसको कुछ भी नहीं दिया गया था। लगता है थोड़ा सा हार्ट टाइट होने शुरू हो गए, इसीलिए गिफ्ट्स की क्रॉस कटिंग शुरू हो गई है। जहां पे घर की बेटी को गोल्ड दिया जाता है गिफ्ट में और बहुत ही स्पेशल दिया जाता है, वहीं पे घर के दामाद को 500 की पत्ती पकड़ा के उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया जाता है। वेल, भैया भाभी ने क्या दिया अभी तक मैंने देखा नहीं। इस बार तो भैया भाभी ने सबके बर्थडे गिफ्ट ना बिल्कुल कट ऑफ कर दिए हैं कि भैया हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत करो। इसीलिए ना तो टीजा का बर्थडे गिफ्ट दिखा, ना टारा का बर्थडे गिफ्ट दिखा और ना ही घर के जवाई यानी कि फनी का बर्थडे गिफ्ट दिखा। लेकिन आज शायद उनको ये रियलाइज हुआ होगा, रियलाइज नहीं, इनफैक्ट कमेंट्स आए होंगे कि भैया फनी का बर्थडे का तोहफा कहाँ है, फनी का तुम्हारे दामाद का बर्थडे है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो याद आ गया होगा आंटी जी को और आंटी जी ने 500 की पत्ती थमा दी अपने दामाद के हाथ पे, जिसपे कैमरे के पीछे बैठी हुई बेटी बोलती है, अरे क्यों दे रहे हो, क्यों ले रहे हो, मतलब अपने आप में लेने के बारी में वो फटाफट नोट पकड़ लेती है, और कोई अगर फनी के हाथ में देता है तो वो उसमें टोका टोकी जरूर लगाएगी कि फनी क्यों पकड़ रहे हो, क्यों ले रहे हो, अरे देने वाले को रोक लो और सबसे पहले अपने आप को देख लो कि इनकी जो खाला है वो जाने को है, इतना उन्होंने सफर तय करना है इतना लंबा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने मजाल है एक काम भी छोड़ दी हो, मतलब अपने सारे पेंडेंसी निपटवा दी। जैसे ऑफिस में ऑडिट आ रहा होता है ना, और नहीं भाई क्लोजिंग चाहिए तो रात दिन लग जाओ क्योंकि कल क्लोजिंग करना है तो क्लोज करना है, वही हाल इनकी खालाओं का होता है कि अगर उन्हें जाना है तो उससे पहले इनके घर की सारी पेंडेंसी उन्हें खत्म करके जानी होती है, जैसे कि आंवले का अचार, जैसे कि मैडम ने भी वहां से डिमांड कर दी थी पिंजरी की। वैसे तो मैडम अपने आप को इतना प्रो समझती है, अपनी हर रेसिपी बनाने से पहले कहती मैंने बचपन में मम्मी के हाथ से ये बहुत खाया है, बचपन में मम्मी ने हमको बहुत बना के खिलाया है, उसके बाद भी मैडम को रेसिपी ढूंढनी पड़ती है। अब आप खुद सोचिए कि व्लॉग के अंदर ही ये इतने ग्लिच कर देती हैं, इतने झूठ बोल देती हैं कि वो झूठ पकड़े जाते हैं। जब इन्होंने लेमिंगटन्स बनाए थे तो इन्होंने यही बोल के बनाए थे ना कि मैंने बचपन में इतना खाया है, मम्मी ने बहुत बना के खिलाया है, लेकिन उसी की रेसिपी ये गूगल में ढूंढ लेती है। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बचपन में बना के खिलाया तो सोचो मम्मी कितनी प्रो होंगी लेमिंगटन्स बनाने में, तो आपको किसी और से रेसिपी देखने की जरूरत क्या थी, आप तो अपनी मम्मी को बोलते, वो आपको बहुत अच्छी खासी रेसिपी बता देती। सेम इन्होंने पिंजरी के टाइम पे भी यही बोला और फिर उसके बाद पिंजरी खुद ही बनाती हुई नजर आई। और एक बात मुझे बताओ कि ये पिंजरी कितने महीने तो खानी पड़ती है, मतलब कुछ तो टाइम पीरियड होता होगा इसका। इनका बेबी 6.5 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन इनको हर महीने में इतनी इतनी भर के पिंजरी बनानी है, पूरा खानदान पिंजरी खाता है कि सिर्फ मैडम पिंजरी खाती है, क्योंकि अभी तक हम खुद 2 बार तो मैडम को बनाते हुए देख चुके हैं। एक बार इनकी जिस समय इनका बेबी हुआ था उस समय पे इनके परिवार वाले भी इतना भर के बना रहे थे, और अभी फिर खाला से इन्होंने बनवा के छोड़ी वो पिंजरी। तो पिंजरी ये पानी की तरह पीते हैं कि किस तरीके से खाते हैं समझ नहीं आ रहा कि इस पिंजरी का बिचारी का दी एंड कब होगा, क्योंकि मुंबई के वेदर की भी अगर बात करें, क्लाइमेट की भी बात करें, तो मुंबई में ठंड भी नहीं होती, न्यूट्रल वेदर होता है। चलो हम 1% ये मान लें कि सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन वहां तो सर्दी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद ही पिंजरी पे पिंजरी, पिंजरी पे पिंजरी। इनका ऑब्सेशन ना, अगर किसी चीज से एक बार बन जाता है ना तो वो ऑब्सेशन इतनी जल्दी से जाता नहीं है, और उस ऑब्सेशन का भुगतान घर के सभी लोगों को करना पड़ता है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि उन्होंने जाना है, जाने से एक दिन पहले तो उनको जरा तसल्ली से खुद खिलवा दें, खुद कुछ बना के दे दें, लेकिन नहीं, जाते जाते भी एक एक ने उनसे अपनी डिमांड पूरी कराई है कि भैया जितने दिन यहाँ रहे हो उन सब चीजों का खर्चा जो हमने तुम पे किया है वो भाई निकाल के ही जाना। ऊपर से इनकी माजा खाला भी कम नहीं है। एक बात मुझे बताओ, चप्पल, जूते, बर्तन भांडे, ये सब क्या इनके भोपाल में नहीं मिलता है कि ये सब कुछ भर भर के मुंबई से लेके जाती हैं? या ये है कि भोपाल के अंदर ये 4 दीवारी से बाहर नहीं आती? क्या ये वहां पे हाउस अरेस्ट में है कि ये कुछ खरीद नहीं सकती, कि इन्हें चप्पल जूते सब कुछ मुंबई से खरीद के ले जाना पड़ता है? कि मुंबई कोई सस्ती सिटी नहीं है कि अगर कोई सोचे कि हाँ मुंबई में बहुत सस्ता मिलता है, चलो मुंबई से भर के ले जा ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहां तक कि यूटेंसिल्स तक ये लोग मुंबई से लेके जा रहे हैं यार, यूटेंसिल्स तक ये
डब्बा से बोल रहे हैं कि खरीद के दे दो। अब अगर यही व्लॉग डब्बा के सास ससुर वहां पे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। अगर डब्बा के घर का फ्राई पैन आपको याद होगा ना, तो वो इतना घिसा पिटा फ्राई पैन था, जबकि वो नॉन स्टिक था और उसकी पूरी जो ऊपर से ब्लैक लेयर होती है वो सारी लेयर निकली हुई थी, और वो उस चीज में खाना भी बहुत हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। नॉनस्टिक का बर्तन अगर अपनी ऊपर की लेयर निकल चुकी है उसकी, तो उसमें खाना बहुत ही हार्मफुल होता है। ये डब्बा को भी बखूबी पता है, क्योंकि डब्बा ने अपने मायके के यूटेंसिल्स चेंज करे थे, अपनी अम्मी के यूटेंसिल्स चेंज करवाए थे यही चीज बोल के। लेकिन जब डब्बा को वहां पे अंडा बनाते हुए देखा, तो डब्बा उसी फ्राई पैन में जो है अंडा बना रही थी। तो जो चीज अच्छी भली भांति पता है, ससुराल के भांडे बर्तन वही पुराने काले पीले, लेकिन मायके के बर्तन भी साफ होने हैं, मायके वालों को भी नए बर्तन दिलाने हैं। मायके में तो दिलाने ही दिलाने हैं, मायके वालों को रिश्तेदारों को भी नए बर्तन दिलाने हैं। अब अगर इस चीज का इम्पैक्ट इनके सास ससुर के दिल में पड़ेगा, तो भैया बताओ ना कि क्यों नहीं पड़ेगा। घर के एक एक सदस्य को एक दिन में हफ्ते हफ्ते में शॉपिंग कराई जाती है, कपड़े, सूट, बर्तन, जूता, चप्पल, एवरीथिंग। और वहीं पर जब ससुराल जाती है तो वहां तो खैर टिकती ही नहीं है, इनफेक्ट वहां से बटोर के लेके आती है, वहां से लेके आती है। तो ये चीज ना बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि सामने शायद इनके इन-लॉज कभी भी ना बोले, हो सकता है इनको भी कभी रियलाइज ना हो, पर ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, यही बाद में जाके बड़ी बन जाती है। क्योंकि अब वो सिर्फ बेटी नहीं है या वो सिर्फ बहन ही नहीं है, वो अब बहू भी है, तो उनकी इक्वल जिम्मेदारी वहां के लिए भी बनती है, इनफैक्ट इससे ज्यादा जिम्मेदारी वहां के लिए बनती है। तो ये कुछ था व्लॉग में आज देखने को जो मिला, कुछ पॉइंट्स जो मैं मिस कर गई होंगी कमेंट सेक्शन में बताना, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करेंगे। और कमेंट जरूर करा करो, वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।